हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं। देखिए, ये मेरा जो है ग्राफ्टेड एडेनियम का पौधा जो है, ये देखिए, अभी मैं 7-8 महीने पहले इसको लगाया था जो है कलकत्ता से मंगा करके। और आप मेरे लिंक पे देख भी सकते हैं कि मैंने कब इसे लगाया था, कलकत्ता से मंगाया था और लगभग 100 रुपये का एक पौधा पड़ा था। देखिए कितना शेडेड पिंक कलर में जो है, कितना बढ़िया जो है फ्लावर आया हुआ है। बहुत सारे लगा रखा है, लेकिन देखिए किसी किसी में आ रहा है। और इस तरीके से आप देखिए, ये देखिए कितना बढ़िया इसकी फ्लावरिंग हुई है। और एक फ्लावर और मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए, इसका तो कलर और ही बहुत ही खूबसूरत शेडेड है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। बर्ड्स भी बहुत सारे आ रहे हैं, आप देखिए इसमें भी देखिए बर्ड्स आ रहे हैं बहुत सारे। इस तरीके से जो है देखिए कितना बढ़िया जो है फ्लावरिंग हो रहा है। तो आप लोग भी अपने टेरिस पे एडेनियम का पौधा लगा सकते हैं। ये बहुत ही लो मेंटेनेंस का पौधा है और इसे गर्मी बहुत पसंद है। जाड़े में ये डारमेंसी में चला जाता है और इसे पानी बिल्कुल ही, मतलब आप हफ्ते में अगर एक दिन भी पानी डालेंगे तो बहुत आराम से ये चलता है, बड़ा ही अच्छा लगता है जो है फ्लावर। और फर्टिलाइज़र वगैरह की कोई बहुत ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो कभी कभार इसमें वर्मी कंपोस्ट या सीवीड वगैरह आप डाल सकते हैं। तो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। और वीडियो पहली बार चैनल पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू गाइस।